अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं साचा वाला मिलियनेयर। 99% जो लोग होते हैं वो क्यों कामयाब नहीं होते और सिर्फ 1% लोग क्यों कामयाब होते हैं? क्या उनके सर में सिंग लगे हुए हैं? क्या वो आसमान से गिरे हैं? नहीं, वो यूनिक नहीं होते, उनमें कुछ और नहीं होता एक्सेप्ट चंद आदतें जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहली चीज, वो लोग जिंदगी भर के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है? जबकि जो 99% वाले लोग हैं वो स्कूल किया, कॉलेज किया, डिग्री की एंड बस मेरा एजुकेशन यहां तक है। इस्लाम कहता है गोद से कब्र तक, दैट्स व्हाट यू वांट टू डू। दूसरी चीज, जो 1% वाले टॉप दुनिया में लोग होते हैं ये बागी होते हैं, इनका दिमाग बागी होता है, ये नई चीजें हमेशा तकते रहते हैं, परखते रहते हैं, जबकि 99% जो लोग हैं वो यानी वही करते हैं जो बाकी सब करते हैं, डिग्रीज। तीसरी चीज, 99% जो लोग होते हैं ना उनको हमेशा अंदर में ये जरूरत होती है कि लोग मुझे पसंद करें। 1% वाले जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि मैं अपने घर से खाता हूँ, आई डोंट केयर कि लोग क्या कहते हैं। चौथी चीज समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि फरारी कंपनी जो है वो कहती है कि मैं अपनी गाड़ियों का इश्तहार टीवी पे नहीं लगाती। क्यों? इसलिए क्योंकि जो मेरे खरीदार हैं, मेरे कस्टमर हैं, वो घर बैठे टीवी नहीं देख रहे। जो 99% लोग होते हैं वो एंटरटेनमेंट में मशगूल रहते हैं, उनका सारा दिन एंटरटेनमेंट में गुजर जाता है, फजूल काम करते रहते हैं। जो 1% लोग होते हैं उनका एक एक दिन नापा हुआ होता है, आज मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या बेहतरी लाई, 1% बेहतरी लानी है एंड दैट इज़ इनफ फॉर मी, साल में 300 गुना बन जाती है। पांचवी चीज़, जो 99% लोग होते हैं ना वो अपना वक्त बेचते हैं, उनको बस गरीब पे नज़र उन्होंने रखी होती है, 8 घंटे लगाए मैंने 8 घंटे लगाए ना, जबकि जो 1% लोग होते हैं वो वैल्यू को गिनते हैं, यार बेशक मैंने 1 घंटा लगाया, 10 घंटे लगाया, जितना भी वक्त लगाया मैंने उसमें खटा क्या, मैंने उसमें वैल्यू क्या दी, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज कि जो 1% वाले लोग होते हैं ना वो एसेट्स बनाते हैं, वो उनको पता होता है कि पैसे से पैसा बनता है, वो फर्ज करिए जॉब करते हैं, जॉब से उन्होंने पैसा सेव किया और फिर ऐसी चीज़ें ली जो उनको ज़रा आमदन देती हैं, पैसिव इनकम देती हैं, जबकि जो 99% लोग होते हैं गरीब दिमाग के होते हैं वो बस अय्याशी में गुजार देते हैं, अपनी ज़रूरत जब पूरी हो जाती है तो उसके बाद बचाते नहीं है, कि इन्वेस्ट नहीं करते फजूल ऐसी चीज़ें जो उनके काम नहीं आनी, डिप्रिसिएटिंग एसेट्स में डाल देते हैं। सातवीं चीज़, जो 99% लोग होते हैं ना उनमें ये कुव्वत नहीं होती, ये अकल नहीं होती कि अपने जो गोल्स हैं उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांटूं, उनको फिर अचीव करूं। ये एक अगर फ़र्ज करें कभी कोई बड़ी चीज़ करने बैठ भी जाते हैं तो जैसे ही शुरू की, पहला जो खड्डा आया, पहला जो रफर उनको पड़ा, वहाँ हिम्मत हार के भाग जाते हैं। दे कैन नॉट कंसीव कि यार अगर मैं इसी गोल को, यानी कहीं मैंने जाना तो कदम कदम लेके जाऊँ ना, ये कहते नहीं एक ही बार छलांग लगाऊँ वहाँ पर पहुँचूँ। तो जो 1% लोग होते हैं वो अपने गोल्स को 1-1 कदम में ब्रेक डाउन करते हैं। आठवीं चीज़, ये जो 99% लोग होते हैं ना ये काम को जाते हैं सिर्फ खाना पूरी करने के लिए, ये सिर्फ वो क्या कहते हैं ठप्पा लगाने के लिए, हाजिरी लगाने के लिए जाते हैं, जबकि जो 1% लोग होते हैं ना वो काम पे जाते हैं, उनको काम में मज़ा आता है, उनको काम काम नहीं लगता, वो प्ले टाइम तफरी और काम को मिला देते हैं, उनको जो काम वो करते हैं, जो चुनते हैं खुद, उसमें मज़ा आता है, उनको काम काम नहीं लगता। नवी चीज़ ये क्या करते हैं कि 1% वाले लोग बड़े ख्वाब देखते हैं, इनके गोल्स बड़े बड़े होते हैं, जबकि 99% लोगों का जो सबसे बड़ा गोल होता है वो होता है जॉब, JOB नहीं, JAAA, जॉब, अन्य वाह मैंने भाई जॉब करनी है, तो गोल छोटा रखोगे नतीजा छोटा ही मिलना है। दसवीं चीज़, जो 1% लोग होते हैं ना उनमें मुस्तकिल मिजाजी होती है, वो कंसिस्टेंट होते हैं, मैंने क्या बोला 1% हर रोज़ अपनी कारकर्दगी बेहतर करते रहते हैं, वो अपना अजाला खुद करते हैं कि यार मैंने आज क्या खटा, नॉट कि मैंने हाजिरी लगाई, गरीब नज़र नहीं उनकी होती, जबकि 99% जो लोग होते हैं दे लैक डिसिप्लिन, वो उनके ना अंदर वो होता है शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, जो चमकती चीज़ है उसके पीछे भागने लग पड़ते हैं, जो नया ट्रेंड है, जो दुनिया कर रही है, और उसमें भी जाके यार मार ही खाते हैं, बिकॉज उस वक्त वो यानी अपने उबूर तक पहुँच चुका होता है, ठीक है, अपनी यानी उसमें एंट्री करना भी देर हो चुकी होती है, और ये लोग उनके पास वैसी कम स्किल्स होते हैं, दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं भाई इसमें तो यार वो अंगूर खट्टे हैं। 11वां पॉइंट ये है कि 1% वाले जो लोग होते हैं उनके पास जो बड़ा हाब होता है वो लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनको जॉब्स देते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं टू अचीव दैट बिग गोल, ओके। और ये लोग चैरिटीज से बाज नहीं आते, तकरीबन हर 1% वाला जो बंदा जिसको मैं जानता हूँ दे गिव बैक टू सोसाइटी, जबकि जो 99% वाले बंदे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, उनका सारा जो
एम होता है, गोल होता है, मैं अपने लिए खटूं, मैं अपने लिए कमाऊं, मैं अपना घर बनाऊं, मैं अपना एक्सेट्रा। दे नेवर थिंक अबाउट द बिगर पिक्चर, इसलिए शायद अल्लाह उनको कम देता है। 12वां पॉइंट ये है कि जो 1% लोग होते हैं ना, ये स्किल्स इकट्ठे करते रहते हैं। ये मैंने क्या कहा था शुरू में, इनकी तालीम कभी ख़त्म नहीं होती। उस तालीम का नतीजा ये निकलता है कि दीज पीपल आर, इनका एक एक जो स्किल होता है वो सेलेबल होता है, वो बिकने के काबिल होता है, बेचने के काबिल होता है। जबकि क्या कहते हैं, जो 99% लोग हैं ना, इनको तरले मिनतें करनी पड़ती हैं उनको। यानी वो मैंने क्या कहा था, एक बंदे को जॉब ढूंढ रही होती है और दूसरा जॉब ढूंढ रहा होता है। 99% जो लोग हैं दुनिया में वो जॉब ढूंढ रहे होते हैं, 1% लोगों को जॉब खुद ढूंढ रही होती है, वो इतने काबिल होते हैं। 13वीं चीज़ ये है कि ये लोग ना दलेर होते हैं और ये प्रोकेस्टिनेट नहीं करते, यानी ये सोचते नहीं रहते कि यार मैं कुछ करूँगा, ये कर बैठते हैं। जबकि जो 99% लोग हैं ना, ये सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, इरादे करते रहते हैं और कल का इंतजार करते हैं, कल शुरू करूँगा ना, कल शुरू करूँगा। जबकि मैंने क्या कहा, ये वाले 1% वाले कर बैठते हैं। 14वीं चीज़ ये है कि जो 1% वाले लोग होते हैं ना, वो खुद को लिमिट नहीं करते, अपने आगे पीछे हदें नहीं खड़ी कर देते, जूठी बूटी दीवारें नहीं खड़ी कर देते, वो अपना अजाला खुद करते रहते हैं। उनके जो भी नज़रियात होते हैं वो उनको खुद चैलेंज करते हैं कि एम आई एट द टॉप, एम आई एट द पीक, क्या मेरा नॉलेज ठीक है कि नहीं। जबकि जो 99% लोग होते हैं ना, उनका सिर्फ एक ही प्लान होता है, वो यू टर्न नहीं कर सकते, वो अपने नज़रियात बदल नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, अपना अजाला नहीं करते। इसी के बाद जो 15वीं चीज़ होगी वो ये होगी कि जो 1% वाले लोग होते हैं ना, वो अपनी गलतियां मानने के लिए तैयार हैं, वो किसी और का ओपिनियन सुनने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और वो जब सुन लेते हैं और वाकई में उनको समझ आ जाती है कि मेरे में कुछ खामी है, मेरे में कमी है, तो उसको जाके दुरुस्त करते हैं, उसको ठीक करते हैं। जबकि 99% वाले जो लोग हैं ना, उनमें एक झूठा दिलासा होता है कि नहीं भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो तंग ख्याल के होते हैं और अपना ओपिनियन नहीं बदल सकते। जिस तरह क्या कहते हैं, यूटर्न नहीं कर सकते, तो अपना ओपिनियन ही बदल सकते अपने बारे में, और जब अपने बारे में वो अपना ओपिनियन ही बदलते तो अपनी वो जो गलतियां दुरुस्त नहीं कर सकते। आखिरी चीज़, 16वीं चीज़, ये जो 1% के लोग होते हैं ना, 1%, ये थोड़े किसी हद तक पागल होते हैं, ठीक है, जुनूनी होते हैं, मजनून होते हैं। एंड लोग इनको इसीलिए कहते हैं कि भाई तू तो पागल है, यानी लोगों को समझ नहीं आती कि यार ये लोग किस तरह सोचते हैं। एंड शायद दिस एलिमेंट ऑफ देयर्स, इनमें वो डर ख़त्म कर देता है कि यार मैंने ना दुनिया के कानून पे नहीं चलना, ये जो स्टेटस को होता है ना, उसको चैलेंज करने लग पड़ते हैं, ठीक है, ऊट पटांग चीज़ें करने लग पड़ते हैं। वो ऊट पटांग चीज़ें ऑफ्टन इनको अच्छा नतीजा देती हैं। जो दूसरी जो दुनिया ना, वो इतनी दलेर ही नहीं होती, वो हमेशा क्या कहा, डरती रहती है कि लोग क्या कहेंगे, और यार इसके आगे भी तो कोई चीज़ है ना, ना कोई नहीं है, बस यही है, ओके। जिस तरह मैं कहता हूँ कि यार पाकिस्तान को पहल करनी चाहिए डिग्री 6 महीने की कर दें, मैं कहता हूँ अवाम आम को, 99% को, सॉरी आई वुड क्लासीफाई माई सेल्फ एज 1%, और कभी कभार अपना बाजा खुद बजाना पड़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह तकब्बुर से बचाए। 99% लोग समझते नहीं होंगे, आई मीन आप तो समझते हैं, उस वक्त नहीं समझते थे कि यार हमें क्यों दुनिया को फॉलो करना है। पहले जी मिसालें दी थी, यूके ऐसे करता है, फ्लां करता है, फ्लां करता है, क्यों करें, हम पहल क्यों नहीं कर सकते, हमें इल्म चाहिए, रट्टा नहीं चाहिए। दी एंड, पाकिस्तान जिंदाबाद। एंड मिलियनेयर, मुझे बहुत ज़्यादा लोग 1% में चाहिए, ओके, आप लोगों दैट अपनी जो अगर बुरियाँ आते हैं आप में हैं उनको छोड़ो, 1% वाले लोगों को अपना दोस्त बनाओ, 99 वालों को थोड़े साइड पे रखो, 1% वाले आपको ऊपर लेके आएंगे इंशाल्लाह, दे विल पुश यू इवन फर्दर इन द 1%, 1% का भी 1% इंशाल्लाह आपको बना देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मैं हूँ जाचाय वाला, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि गुरबत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है।